आदमी को तो इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा, जो आदमी यात्री बाहर से आता है उसको कोई भी पता नहीं होता भाई क्या रेट है, कौन सा व्हीकल पकड़ना है, कितनी दूर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस भी लिखेंगे और उसका रेट भी लिखेंगे, तो एक तो यात्री को फ़ायदा होगा और इसके अलावा मुझे लगता है कि लोकल जो शहरी है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ रेट्स के पता ना होने कहाँ शहर का कोई भी आदमी ऑटो यूज़ नहीं कर पाता, तो लोकल यात्रियों को फायदा होगा, बाकी कोई फायदा इसमें कोई आइडिया नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट रूट्स है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 50-60% का इसमें फ़र्क पड़ेगा और इसमें ऑटो जो चालक है उनको फ़ायदा होगा क्योंकि उनके लिए एक सिस्टम बन जाएगा, उनके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो मेन पॉइंट जितने भी हैं हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन है, फिर यात्रा काउंटर है, फिर बस स्टैंड है, फिर जो दर्शन जोड़ी है तो और हेलीपैड है, तो 5 पॉइंट है जिसमें हमने ये सारे बनाए हैं, तो 500 पॉइंट्स के ऊपर ये फैसिलिटी रहेगी और सभी के ऊपर फिक्स रेट्स होंगे, हमारे डिस्प्ले होंगे रेट्स और उसी के हिसाब से फिर इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो दोनों यूनियंस का इसमें हमें सपोर्ट और दोनों खुद भी तैयार हैं इसमें, तो ये हमने मिलके ही इसमें डिसीजन लिया। इसमें एग्जैक्ट तो अभी क्योंकि बूथ वाइज तो अभी डिटेल नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी करीब 500 to 600 इसमें हमने सर हमारा कारण यही है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात चल रही थी उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने अमल नहीं किया है, ठीक है, उसमें हमारे सिर्फ हमें जो लॉलीपॉप होती है वो ही दिया है, हमारी कोई मांग पूरी नहीं, हमारी यही डिमांड थी जहाँ जहाँ आप प्रीपेड बूथ खोल रहे हो, यहाँ पे प्रीपेड आप सर खुद देख सकते हो रोड पे प्रीपेड खोल रहा है, हम बोल रहे हैं हमें यहाँ 150-200 गाड़ी पार्किंग दो, हम अब प्रीपेड के लिए एग्री हैं, ठीक है, हमें बाड़गा के लिए प्रीपेड है, हमें 150-200 की पार्किंग दो, हम प्रीपेड के लिए एग्री हैं, प्लस जो 2010 में रेट था आज वही रेट है हमारा, ठीक है, ऊपर अधिकारी से भवन तक श्राइन बोर्ड के बैटरी कार चलती है, उसकी 300 रुपये एक सवारी की ऑटो की सवारी है, उसमें क्या है, उसमें जो रेट है एक सवारी का 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर का, हमारी यहाँ से जर्नी बनती है वापस इधर 5-6 किलोमीटर, हमारी जो रेट की ऑटो की सवारी है 20-30 रुपये, वही 2010 वाला रेट है, क्या हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, हमारी इन्होंने कोई डिमांड पूरी नहीं की, ये हमारी तानाशाही चला रहे हैं, जैसे औरंगजेब के टाइम था जैसे तानाशाह चला रहे थे, हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि 1947 से पहले हम बहुत अच्छे जी रहे थे, आज अंग्रेजों से भी ऊपर बदतर हालात हो गई है, पहले 2010 में हमारा जो रेट था आज भी वही है, हमारी ये 3-4 डिमांडें पूरी करें, हमारे साथ नेगोशिएशन करें।